हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट। तो गिफ्ट में हमने एक फ्रेम बना रहे हैं, तो फ्रेम बनाने के लिए हमें चाहिए A3 साइज़ की एक शीट और उसके चारों तरफ ना 2 इंच का बॉर्डर बना लेना है। जब चारों साइड बॉर्डर बन जाए ना, तो बॉर्डर वाली लाइन पे स्केल रख के उसे फोल्ड कर लेना। ऐसे हमें चारों साइड्स के साथ करना है। तो हमने बॉर्डर फोल्ड किया है ना, उसकी एक साइड लेंगे और उसको 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। ऐसे ऐसे हमें ना चारों साइड्स के साथ करना है। हमारे फ्रेम के जो चौड़ाई वाली साइड है ना, जो नीचे के साइड है, वहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ऐसे हमें ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, मतलब कि चौड़ाई वाली साइड पे ही करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही करना। अपना हम अपने फ्रेम की जो वेट साइड है ना, उनको हम कट कर लेंगे। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, ये वाली साइड चारों तरफ से कट कर लेंगे। हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी ना, वहाँ पे बॉर्डर बनाते टाइम ना 4 लाइंस आई होंगी, जो भी मैं बना रही हूँ वो उनके ना, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले पे ना लाइन बनानी है, जैसे मैं बना रही हूँ। और इन साइड्स को ना कट कर लेना है, ऐसे ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे करना है, जहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी वहाँ पे। वीडियो में जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, आप भी ऐसे ही कट करना। हमारे दोनों साइड से बॉर्डर कट हो जाए ना, तो हमें एक लेंथ वाली साइड लेनी है, और हमने जो उसको फोल्ड करते टाइम जो 4 लाइन्स आई थी ना, उसको स्केल की हेल्प से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, ताकि फ्रेम का बॉर्डर अच्छी तरह से बन जाए। इसकी नीचे वाली साइड पे एक गॉन लगाना है और उसी को चिपकाना है, जो उसकी 3 साइड रहेगी ना, उस पर मत लगाना, और उसको ना ऐसे उठा के रखना। और ऐसे हमें ना चारों बॉर्डर्स के साथ करना है। हमारा फ्रेम रेडी है। जब फ्रेम बन जाए ना, तो इसमें आप फोटोज़ लगा दो। अब सोच रहे हो फोटोज़ तो है ही नहीं, तो हाँ, वो मेरे पास अभी फ़ोटोज़ नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने इसे बना के लगा दिया। आप इसमें अपने फ्रेंड आपकी फ़ोटो लगा सकते हो, 3-4 मर्जी आपकी, जितने लगाने हैं आपको। और आप ना फ्रेम ब्लैक कलर, जिस कलर में चार्ट पेपर मिल जाए उस कलर में आप बना लीजिए। अब हम ना फ्लावर बनाएंगे रोज़ का। सो जिस तरह मैं लाइन खींच रही हूँ ना, आप भी इसी तरह से लाइन बना लो, और फिर इसे ना लाइन वाइज कट कर लेना, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप भी उसी तरह से कट करना। जब हमारा फ्लावर कट हो जाए ना, तो उसकी जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ से कट करके इसको रोल रोल करके मोड़ना स्टार्ट कर देना, पूरा रोल कर लेना, और फिर इसको गोंद लगा के चिपका देना। हमने जो फ्लावर्स बनाए ना, उनको अब हम फ्रेम पे लगा लेंगे। एक को फ्रेम के कॉर्नर पे लगाएंगे और एक को फोटो के कॉर्नर पे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, और छोटे छोटे को उनके साइड में। और जो खाली जगह दिख रही है ना, वहाँ आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।